यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक ऐसी भूमि जो असीम अवसर, धर्म की स्वतंत्रता और समृद्ध विविधता के लिए जानी जाती है। संस्कृति और मान्यताओं के इस अहम हिस्से में भारतीय अमेरिकी समुदाय अमेरिका के साथ कालातीत हिंदू परंपराओं, सार्वभौमिक मूल्यों और एकता की भावनाओं को परिदृश्य तक पहुँचाने में कामयाब रहा है। पिछले 150 वर्षों में मंदिरों ने आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक संरक्षण के रूप में प्रकाश स्तंभ का स्थान ग्रहण कर लिया है, जो अमेरिका में हिंदू मूल्यों और परंपराओं को विकसित कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रकाश स्तंभ द बीएपीएस स्वामी नारायण अक्षरधाम रॉबिन्सविल न्यू जर्सी में है, जिसकी परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने परिकल्पना की थी और जिसे परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में पूरा किया गया है। अक्षरधाम प्रेम और एकता के एक स्थायी प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो परंपराओं के योग को संरक्षित करता है और आने वाली सभी पीढ़ियों की शांति, आशा और सद्भाव के सार्वभौमिक संदेशों को साझा करता है। आइए हमारे साथ जुड़े, क्योंकि अब हम एक सुनहरे सफर का आरंभ करने जा रहे हैं। द बीएपीएस स्वामीनारायण अक्षरधाम का सफर, जहां हम इसकी आध्यात्मिकता की गहराई, इसकी वास्तुकला की सुंदरता और इसके संदेशों की सार्वभौमिकता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जय स्वामीनारायण। नमस्ते आदरणीय देवी और सज्जनों, मैं हूं विशाल खंडेलवाल और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऐतिहासिक स्थल बीएपीएस स्वामीनारायण अक्षरधाम में। यह मंदिर अमेरिका के न्यू जर्सी में रॉबिन्सविल टाउनशिप में बनाया गया है। विश्वभर के सभी भक्तजन और श्रद्धालु अपने घर बैठे इस मंदिर के दर्शन कर सके, इस अभिलाषा के साथ आज की स्पॉटलाइट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अमेरिका में स्थित बीएपीएस स्वामीनारायण अक्षरधाम एक ऐतिहासिक स्थल के साथ साथ पूजा का एक परम पवित्र स्थान भी है। एक ऐसा पवित्र स्थान जो सनातन हिंदू शिल्प शास्त्र, वास्तुकला, संस्कृति, एकता और निस्वार्थ सेवा भाव का एक प्रकाश स्तंभ है, जो समकालीन अमेरिका में भारत की समृद्ध विरासत को प्रस्तुत करता है। यहाँ रॉबिन्सविल न्यू जर्सी अक्षरधाम में हर पत्थर, हर नक्काशी, हर प्रार्थना बीएपीएस के प्रेरणा स्रोत और दूरदर्शी मार्गदर्शक गुरु परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और वर्तमान गुरु परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की श्रद्धा का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक स्थल को बनाने के लिए विश्व भर से 12,500 से अधिक वॉलंटियर्स ने तन, मन और धन से समर्पण किया है। उन सभी वॉलंटियर्स को हमारा नतमस्तक प्रणाम है। आज की हमारी स्पॉटलाइट स्वामीनारायण अक्षरधाम के परिसर से सीधे आपके दिलों तक पहुंचने वाली है। यह वो कैंपस है जो रॉबिन्सविल न्यू जर्सी में 185 एकड़ में फैला हुआ है। अक्षरधाम के हर पत्थर के पीछे समर्पण, बलिदान और प्रेम की एक प्रेरणादायक कहानी है और आज मैं उन कहानियों को आप सभी तक पहुंचाना चाहता हूं। तो आइए आज की स्पॉटलाइट की शुरुआत हम अपने वॉइस ऑफ वॉलंटियर्स के सेगमेंट से करते हैं, जहां हम उन स्वयंसेवकों पर प्रकाश डालते हैं जिन्होंने अक्षरधाम महामंदिर की संकल्पना को वास्तविकता में बदलने में योगदान दिया है। मुझे लगता है कि जब मैं साइड बॉन्ड टूरिंग के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि एक जीवन शैली है। मैं हर दिन यही करना चाहता हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने जाकर ये नहीं सोचा हो कि आज मेरा अंदर जाने का मन नहीं है, कि ये मेरा एक हिस्सा है। हर सुबह वहाँ जाना, मेरे सभी दोस्तों से मिलना, सभी संतों, साधकों, पार्षदों से मिलना, ये वो परिवार है जिसे आपने बनाया है। और सच कहूँ तो ये बस मेरा ही एक हिस्सा बन गया है। मेरा नाम जिमी है और मैं एक साइट स्वयं सेवक हूँ। मुझे अभी भी याद है, शुरुआत में ये बहुत मुश्किल था। मैं बहुत घबराया हुआ था, मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कहूँ, क्या करूँ, लेकिन आखिरकार मेरे अंदर आत्मविश्वास हासिल हो गया और एकमात्र कारण जिसकी वजह से मुझे वो दिन अभी भी बहुत अच्छी तरह से याद है, वो मेरा पहला दिन था।
एक पैलेट था जिसे बाहर ले जाने की आवश्यकता थी और वो पैलेट रखा गया था एक ऐसे कोन पर जहां ऊपर ठीक ऊपर छज्जा बाहर आ रहा था, उसकी एक तरफ सामरन, दूसरी तरफ शिखर और पीछे एक डोम था। तो अब आप इसे कैसे निकालेंगे? और फिर दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी, जिसे मैं इसे अभी अपने काम पर भी लागू करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, वो है किसी भी चीज़ को बारीकियों से परखना। क्योंकि जब पत्थर को एक दूसरे के ऊपर रखने की बात आती है तो सब कुछ एकदम परफेक्ट होना अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के लिए अभी जो हम सामरन का काम कर रहे हैं वो सिर्फ 9 या 10 लेयर में है, लेकिन प्रत्येक लेयर मायने रखती है और प्रत्येक लेयर नक्शी कोने को ठीक से अलाइन करना होगा। क्योंकि अगर आप 1 इंच के 8वें हिस्से की भी चूक करते हैं तो वो ऊपर जाते हुए पूरा बदल जाएगा और वो आप नीचे से आसानी से देख सकते हैं। इसी तरह छोटे सामरन पर भी बहुत सारी नक्काशी है, इसलिए प्रत्येक नक्काशी को अलाइन करना बहुत ही आवश्यक है। सिर्फ सेंटर से ही नहीं, आपको सभी अलग अलग कोनों से देखना होगा। तो ऐसी सेवा के दरमियान ऐसी बारीकियों की ओर ध्यान देना सीखा। और फिर जब मैं फिर से अपने काम पर गया जो कि वेब डिजाइनिंग का है, उसमें अब मैं उन बारीकियों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि कोई भी वेब पेज या किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये फॉन्ट मैं यहाँ रखूँगा तो कैसा लगेगा, दूसरी चीज़ें जैसे कि फॉन्ट का आकार, फॉन्ट का रंग, ये सभी छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जिसके बारे में वास्तव में मैंने पहले कभी सोचा तक नहीं था। अब मैं उस पर और अधिक ध्यान देता हूँ। ट्रेलर पर इकट्ठा होना, बोर्ड गेम्स खेलना, दोस्तों के साथ साइट पर घूमना और जब रात में मौसम अच्छा हो तो वहाँ पे वॉक करना, ऐसी बहुत सारी यादें हैं साइट सेवा की। इन सब में से मेरी पसंदीदा याद है जब हमने Q3 सामरन पर आखिरी पत्थर रखा था, क्योंकि हम वहाँ 0 लेयर से थे और पूरा सामरन चढ़ा के बाहर आके उसको देखना एक बहुत ही अच्छा अनुभव दे रहा था। और मैं क्या बताऊं, इसके अलावा हमने काफ़ी सेवाएं एकजुट होकर के की। हम एक साथ मिल करके वहां पर आरती करने जाते थे और हम सब एक साथ नाश्ता करते थे, हम एक साथ लंच भी करने जाते थे, यहां तक कि डिनर भी साथ में करते थे, एक साथ घूमने जाते थे मिल करके, साथ में कपड़े धोना और बहुत सारा कुछ। अगली पीढ़ी जो लोग यहाँ पैदा होंगे और बड़े होंगे वो वास्तव में उन सभी चीज़ों से परिचित होंगे जो भारतीय संस्कृति हमें प्रदान करती है, जो युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और इस तरह का स्मारक होना, इस तरह का अमेरिका में महामंदिर जो बहुत कुछ कहता है, मुझे लगता है कि ये कोई साधारण बात नहीं है। मंदिर ये वास्तव में उचित हिंदू शैली की वास्तुकला की तरह भी है ना, वो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो वे यहाँ आ सकेंगे और इसका अन्वेषण कर सकेंगे, लेकिन हाँ, यहाँ रहना कुछ ऐसा है जिसे मैं मिस करूँगा, क्योंकि घर जैसी कोई जगह नहीं है और यही मेरा घर है। क्या आप जानते हैं कि आप ऑफिशियल BAPS अक्षरधाम USA चैनल्स के साथ साथ द BAPS सोशल मीडिया चैनल्स पर कई प्रेरणादायक स्वयंसेवकों की कहानियां सुन सकते हैं? इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब या लिंक्डइन ही क्यों ना हो, इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा जुड़कर आप और अधिक जानकारी पा सकते हैं। हमारे स्वयंसेवकों का समर्पण जहां अक्षरधाम की नींव बनाता है, वहीं दूसरी ओर घटनाएं और कार्यक्रम उसमें जान फूंकते हैं। हाँ, आज एक ऐसी अनूठी घटना हुई जिसने हर भारतीयों के दिल में हमारी संस्कृति के प्रति अस्मिता के दिए जलाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेलिब्रेटिंग इंडियन कल्चरल कार्यक्रम के बारे में, एक ऐसा कार्यक्रम जिसने अपने राष्ट्र, विश्वास और संस्कृति के लिए भारतीय अमेरिकियों के योगदान पर प्रकाश डाला, जो उन्हें अपने समुदाय की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है।
ये अक्षरधाम अत्यंत ही भव्य स्थान है, यह प्रेरणादायक है और मैं जानता हूं कि आप सभी इससे प्रेरित हुए हैं। यहाँ का नक्काशीमय विवरण जटिल है। हिंदू धर्म के हजारों साल जो स्थायी रूप से पत्थर पर उत्कीर्ण किए गए हैं, ये अत्यंत प्रभावशाली है। एशियाई भारतीय अमेरिकी समुदाय का हिस्सा बनना एक ऐसी चीज है जिसे मैं बहुत गंभीरता से स्वीकार करता हूँ। हिंदू धर्म और भारतीय अमेरिकी प्रतिदिन हमारे समाज और अमेरिका में योगदान करते हैं, जो जरूरी है। तो मानसोनो आपणे जो विचार करिए तो एना त्रण मुख्य विभाग छे, शरीर छे, मन छे ने आत्मा छे। तो शरीरे करीने माणस सुखी थाय एना माटे श्रीजी महाराजे घणी बधी वातो आपी। मन छे एकदम स्वस्थ रहे एना माटे पण श्रीजी महाराजे घणी बधी वातो आपी। अने आत्मा एनी आत्यांतिक मुक्ति थाय, आत्यांतिक कल्याण थाय एवी अद्भुत वातो ए श्रीजी महाराज छे, श्रीजी महाराजे आपेली छे। शुद्ध पवित्र जीवन जीवे एमना जीवननी अंदर भगवान स्वामीनारायणे पंचवर्तमान आप्या। दारू न पीवो, मांसाहार न करो, चोरी न करवी, व्यभिचार न करो, आहार विहार शुद्ध राखवा। श्रीजी महाराजना योगनी अंदर आव्या आहार विहारनी शुद्धि। तो ये घणा बधा लोको व्यसनथी भरडायेला हता अने स्वामीनारायण भगवानना योगमां आव्या, ए बधाथी स्वामीनारायण भगवाने मुक्ति अपावडावी। मध्य गुजरात में सामंती काल में बड़ौदा साम्राज्य नामक एक स्थान हुआ करता था। बड़ौदा के राजा प्रति वर्ष एक सभा करते थे जहां वो विभिन्न प्रकार के विषयों को प्रस्तुत करने के लिए दुनिया भर से विभिन्न शिक्षाविदों और दार्शनिकों को आमंत्रित करते थे। एक वर्ष उन्होंने एक जर्मन दार्शनिक को चरित्र के विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित किया। उस दिन लगभग 2 शताब्दी पहले जब प्रवक्ता ने वक्ता को दर्शकों से परिचित कराया था, उसने कुछ अनोखा किया। वक्ता को दर्शकों से परिचित कराने के बाद उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया और उन्होंने कहा, आज मैं ये श्रोताओं का वक्ता से परिचय कराना चाहता हूं। उस वक्त उन्होंने रामायण की एक कहानी सुनाई। प्रवक्ता ने उस समय समझाया कि किस प्रकार लक्ष्मण जी का संयमित चरित्र था। ये उनकी धर्मपरायणता का स्तर था कि दशकों तक किसी महिला के साथ रहने के बावजूद उनके प्रति उनके मन में कभी कोई गलत विचार नहीं आया। फिर प्रवक्ता ने स्पीकर से कहा, ये जो श्रोतागण आपके सामने हैं, ये यही बातों को सुन के बड़े हुए हैं, ये हमारी जड़ें हैं, ये वो कहानियां हैं जो हमें जमीन से जोड़े रखती हैं। अब आप अपना भाषण शुरू कर सकते हैं। वो मंच पर आए और उन्होंने कहा कि मुझे आप सभी से चरित्र पर बात करनी है, लेकिन आपकी संस्कृति में जो कुछ है वो उससे अधिक ही है जो मैं कहूंगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके सामने मौजूद हर कोई, यहां मौजूद हजारों लोग इन्हीं कहानियों के आधार पर बड़े हुए हैं। ये हमारा इतिहास है, हमारी विरासत है और यही हमारे आदर्श हैं। इसी दृष्टिकोण के साथ यहाँ का प्रत्येक भारतीय अंदर से बाहर जाने वाली जीवन शैली बनाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज से कहा था, प्रत्येक व्यक्ति को अंदर से बाहर काम करने की आवश्यकता है। और उस समय उन्होंने 3 स्तरों का निर्देशन किया। उन्होंने कहा, पुण्य, पुण्य व्यक्ति, पुण्य परिवार और पुण्य नागरिक। मतलब सबसे पहले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अच्छा होना चाहिए, फिर उस नींव पर उस अच्छे व्यक्ति को एक मजबूत परिवार का निर्माण करना चाहिए और फिर उस मजबूत परिवार को अपनी नींव के रूप में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर समाज के निर्माण में योगदान देना चाहिए। ये महामंदिर इस बात का प्रमाण है कि कड़ी मेहनत और प्रार्थना से हर किसी को सफलता मिल सकती है। यहाँ जो स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहे थे वो इस फील्ड के नहीं थे, उनमें से कई छोटे व्यवसाय के मालिक थे, कई ब्लू कॉलर वर्कर थे, उनमें से कुछ के पास पेशेवर नौकरियां थीं। लेकिन अब आइए भविष्य में 50 साल तेजी से आगे बढ़ते हैं। 50 वर्षों में इस परिसर में एक सेवानिवृत्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी पोती के साथ आएगा और वो शिखर की ओर इशारा करेगा
और वो अपनी पोती को बताएगा कि मैंने इसे बनाया है। ये किया है महंत स्वामी महाराज ने। अक्षरधाम अपने आप में एक सीमा चिन्ह है, लेकिन एक सीमा चिन्ह बनाने में उन्होंने 12,000 अन्य सीमा चिन्ह गढ़े। चलते फिरते उठते बैठते उन्होंने अक्षरधाम के बारे में ही सोचा, और अब ये सभी स्वयं सेवक समाज में वापस जा रहे हैं। वे अपने विश्वविद्यालयों में वापस जाएंगे, अपनी नौकरियों में वापस जाएंगे, और जो यहाँ सीखा वो अपने साथ ले जाएंगे। यहाँ हर कोई अब पूरी तरह से अनुभव कर चुका है, केवल थियोरी में नहीं, प्रैक्टिकल अनुभव। इस सोच के साथ के अलग अलग होने के बाद भी हम एक हैं। प्रत्येक भारतीय अपने संपर्क में आने वाले को सेवा प्रदान करने की पूरी कोशिश करता है। हमारे इष्ट देव भगवान स्वामीनारायण बताते हैं कि प्रत्येक भक्त को मुक्ति या स्वर्ग की तलाश नहीं करनी चाहिए। मुक्ति और स्वर्ग यही पृथ्वी पर प्राप्त हो सकते हैं। और मुक्ति एवं स्वर्ग को परिभाषित करते हुए भगवान स्वामीनारायण लिखते हैं, सेवा मुक्तिश्च गम्यताम। दूसरों की सेवा ही मुक्ति है। यही हमारी परिभाषा है कि हम क्या प्रार्थना करते हैं, क्या चाहते हैं। कुछ साल पहले जब फेमा ने BAPS संगठन से COVID-19 जागरूकता फैलाने के लिए स्वयं सेवक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था, पूरे अमेरिका से 70 से अधिक युवाओं ने अपनी इच्छा से लास वेगस के लिए उड़ान भरी। उन्होंने वहां सेवा करते हुए कई सप्ताह बिताए। उन्होंने कोविड के बारे में जानकारी फैलाई और अपने प्रयासों से 1,90,000 से अधिक PPE उपलब्ध करवाए, 90,000 प्लेट्स गर्म भोजन परोसा और $2,00,000 से अधिक का दान अलग अलग धर्मों से एकत्र किया। लगभग 2 सप्ताह पहले यहां अक्षरधाम परिसर में नीलकंठ वर्णी महाराज की विशाल प्रतिमा के सामने हमने 100 से अधिक दिग्गजों और सक्रिय कर्तव्य सैन्य अधिकारियों को सम्मानित किया। उनमें से कई BAPS के अनुयायी हैं। मैं सीनेटर अंदानी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो आए। सीनेटर अंदानी ने ओहायो के पहले भारतीय अमेरिकी राज्य सीनेटर बनकर इतिहास रचा है। यहाँ रॉबिन्सविले न्यू जर्सी में अक्षरधाम के उद्घाटन पर महंत स्वामी जी महाराज सभी स्वामी जियों और पूरे BAPS परिवार को बधाई देने के लिए यहाँ आना मेरे लिए सम्मान की बात है। और जब मैं सोचता हूँ कि अक्षरधाम क्या है, BAPS का मतलब क्या है, प्रमुख स्वामी जी महाराज क्या है, महंत स्वामी जी महाराज क्या है, मेरे लिए वे स्वामीनारायण भगवान का संदेश, BAPS का संदेश और पूरे समाज के लिए एक संजीवनी है। आज हमारे साथ रॉब वुडल भी जुड़ गए हैं। श्री वुडल एक कुशल अटर्नी हैं और जॉर्जिया के 7वें कंग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस के पहले वह पूर्व कांग्रेसी जॉन लिंडर के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यरत थे। क्या मैं उन लोगों के हाथ देख सकता हूं जिन्होंने यहां सेवा की है, ताकि मैं जान सकूं कि मैंने आज जो कुछ चीजें देखी हैं उनको किसने छुआ है। मैं एटलांटा जॉर्जिया से आता हूं, जहां का मंदिर हर दिन हमारे समुदाय की सेवा करने में, हजारों लोगों की सेवा करने में लगा रहता है, और वो हर दिन करते हैं, हर दिन। मैं नहीं जानता कि उन मूल्यों को अमेरिका के प्रत्येक परिवार के साथ साझा करने में कितना समय लगेगा, पर इतना विश्वास जरूर है कि BAPS की वजह से ये बहुत तेज हो जाएगा। आपके प्रयास और यहाँ आपकी सफलता के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं चिराग पटेल हूँ, एक इमरजेंसी फिजिशियन और हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर, और मैं कार्बन हेल्थ नामक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कंपनी में स्ट्रेटेजिक डायरेक्टर हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं BAPS का एक स्वयं सेवक भी हूँ। मैं 19 वर्षीय बेटे और एक 16 वर्षीय बेटी का गौरवान्वित पिता हूँ। नमस्ते, जय स्वामीनारायण। मेरा नाम मोहन श्राफ है। मैं लिंक्डइन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं और हेड ऑफ इंजीनियरिंग हूं, और EBK बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक सदस्य भी हूं।
और मैं 8 और 10 साल की दो अद्भुत लड़कियों का पिता भी हूँ। बहुत खुशनसीब हूँ मैं, और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपनी भारतीयता और हिंदुत्व की पहचान की शक्ति में बहुत ही दृढ़ता से विश्वास करता हूँ। हम मुंबई में एक बहुत ही छोटे 1 बेडरूम अपार्टमेंट में पले बढ़े हैं। मेरे माता पिता अपने 8 से 10 भाई बहनों के साथ रहते थे, और उन्होंने उन्हें स्कूल में पढ़ाया, उन्हें जीवन में सफल होने में मदद की, उन्होंने उनमें निवेश किया, और मैंने उनमें जो देखा वो खुशी की भावना थी, संतुष्टि की भावना थी, जो कि आती थी उनके परिवार की प्रगति में उनके निवेश से। मैंने बहुत कुछ सीखा। वर्षों बाद मुझे प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन के शब्दों के बारे में पता चला, उनके इन असाधारण शब्दों के बारे में, इस विचार के बारे में कि दूसरों की खुशी में ही हमारी खुशी निहित होती है। और मुझे एहसास हुआ कि जीवन में सफलता और खुशी का रहस्य बिल्कुल वैसे ही काम करता था। जैसे ही मैं अपने परिवार के साथ बातचीत करता हूँ, मैं उनके आनंद में निवेश करने की कोशिश करता हूँ। जब मैं इस बात की जांच करता हूँ कि वास्तव में सफल व्यक्ति का गुप्त तत्व क्या है, एक सफल व्यक्ति, एक सफल एंटरप्रेन्योर, एक सफल प्रोफेशनल और स्पष्ट रूप से एक सफल नागरिक, क्या यह नागरिकता का मूल आदर्श यही है? दूसरों की खुशी में निवेश करने का विचार, दूसरों की प्रगति में सम्मिलित होने का विचार, क्या यही है सफलता का रहस्य? और सचमुच पारिवारिक मूल्य हमारी भारतीय संस्कृति के मूलभूत आधार हैं। अपने जीवन को देखते हुए मैं भी अपनी सफलता के रहस्य के रूप में परिवार को मानता हूँ। मैं वो कहानियाँ सुनता था जिसने मुझे बताया कि मुझे कैसे सोचना चाहिए, मुझे कैसे कार्य करना चाहिए, मेरा मूल्य क्या होना चाहिए। भगवान राम के जीवन से, रामायण से मैंने एक भावना सीखी, वो है धर्म की। महाभारत से अर्जुन की कहानियां सुनकर मैंने कड़ी मेहनत का मूल्य सीखा। कड़ी मेहनत से कुछ भी संभव है। जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके मेडिकल स्कूल में दाखिला लेने का समय आया तो मेहनत करनी पड़ी। एक अच्छे रेसिडेंसी में प्रवेश पाने के लिए, रेसिडेंसी से गुजरते हुए एक अच्छा करियर पाने के लिए, अच्छा प्लेसमेंट, और फिर अंततः एक एंटरप्रेन्योर के रूप में कड़ी मेहनत से सब कुछ आसान हो गया। ये उन मूल्यों के कारण हुआ जो मेरे परिवार ने दिए। अब जैसा कि आपने कहा, सफलता की राह कभी आसान नहीं होती, इसमें बहुत मेहनत लगती है, पर मेरे लिए इसमें कुछ और भी है जो मुझे हमारी संस्कृति से मिला। उद्देश्य का विचार, सफलता पाने के लिए एक उद्देश्य की भावना आवश्यक होती है, और जैसे कि हम यहाँ बैठे हैं, मैं इस उद्देश्य को उस अनुभव के साथ प्रतिबिंबित करना चाहता हूँ जो हम सभी को इस अक्षरधाम के इस अविश्वसनीय महामंदिर की छाया में मिला है। अक्षरधाम हजारों स्वयंसेवकों की भक्ति प्रेम का प्रमाण है, और इसी तरह जब मैं अपनी कारकिर्दी के बारे में सोचता हूँ, जब मैं अपनी सफलता के बारे में सोचता हूँ, तो ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मेरे भगवान के प्रति मेरे प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है, और ये मेरे लिए जरूरी है। मैं सफलता को ऐसी चीज के रूप में नहीं देखता जो मेरे मूल्यों से टकराती है, मैं इसे अपने उद्देश्य की भावना से जोड़ता हूँ। मेरा कर्तव्य और मेरी सफलता भगवान की भक्ति का एक रूप है, और मैं इसे अपनी इसी दृष्टिकोण से देखता हूँ। ये सेवा का एक रूप है, और हर कठिन समय, हर कठिन निर्णय के बारे में वास्तव में सोचने का ये पहलू ईश्वर की सेवा और भक्ति के एक पहलू ने ही मुझे उस स्थान तक पहुँचाया है जहाँ आज मैं हूँ। मेरा व्यावसायिक विकास मेरी कर्तव्य भावना के कारण है। मुझे बचपन में कही गई भीष्म की कहानी याद आती है, भीष्म की प्रतिज्ञा, जो हमें कहती है कि जीवन में अटल उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता। प्रमुख स्वामी महाराज जब BAPS के अध्यक्ष बने तो उन्होंने भी इसी तरह अपने गुरु से प्रार्थना के रूप में शपथ ली थी, और वो अपने भक्तों अनुयायियों की देखभाल करते हुए अपनी आखिरी सांस तक उस लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध रहे। अद्भुत जिम्मेदारी, अपने बच्चों के साथ ये साझा करने का हमें ये अद्भुत अवसर मिला कि हम क्या हैं और हम कौन हैं। तुम्हें पता है कि वास्तव में दिलचस्प बात क्या है चिराग, कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें भारतीय बनने के लिए भारत भेजा। मैं भारत में बड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैं मध्य पूर्व में बड़ा हुआ, लेकिन हमारे बच्चे यहाँ अमेरिका में ये मूल्य प्राप्त करते हैं,
और इन मूल्यों के बारे में वास्तव में विशेष बात यह है कि इन बच्चों को कितनी अच्छी तरह से एकीकृत करते हैं। वे अमेरिकी हैं लेकिन वे भारतीय भी हैं और वे स्पष्ट रूप से हिंदू भी हैं। और अब ये उपहार बहुत ही खास है। अब हम सभी के पास अद्भुत स्वामीनारायण अक्षरधाम है। खुशी की बात यह है कि हमारे पास अवसर है भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की शक्ति और जादू को व्यक्तिगत रूप में अनुभव करने का। अनुरोध है कि श्री हर्षा अगाड़ी आए और कुछ शब्द कहें। श्री हर्षा अगाड़ी क्रॉफर्ड एंड कंपनी के प्रेसिडेंट और सीईओ हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट क्लेम मैनेजमेंट कंपनी है। हमें इस बात की खुशी है कि उनकी पत्नी श्रीमती गीता अगाड़ी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। देवियों और सज्जनों, जीवन में हमारा अस्तित्व ही दूसरों की सेवा करना है। आज मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ आया हूँ, जो मुझे यहाँ आकर लगातार सेवा करने की प्रेरणा देती है। यहाँ आकर मैंने समय बिताया। मैं इतना प्रभावित हूँ कि मैं और मेरी पत्नी BAPS के भक्तों को भारत में उनके रिश्तेदारों के लिए 100 इंजीनियरिंग की सीटें समर्पित करना चाहेंगे। फ्री ट्यूशन, 4 साल के लिए कोई शुल्क नहीं। शिक्षा देने का मतलब है कि आप परम दान कर रहे हैं, क्योंकि आप उसको किसी से छीन नहीं सकते, और आज मैं वो देना चाहता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हैं श्रीमान ग्लेन ग्रॉथमैन, जो विस्कॉन्सिन के 6th कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू कल्चर टीचर्स अस टू लिव विथ वैल्यूज। जीवन में कई आत्मा आवे अने तमने संतोष थाय, जीव्यानु संतोष थाय, ए रीते जीवानु। संस्कृति आपने घणा बधा मूल्यों शीखवे छे। एक बीजानी सेवा करी तो प्रॉब्लम ज न रहे, नो प्रॉब्लम।
Our culture teaches us to see God in all. सीखे से के बंदा में भगवान जुआ आपकी संस्कृति आपने दृढ़ श्रद्धा तथा व्यक्तिकरण सीखे बदान सारू था है। आ तो आप फरज है बदान सारू था है बदान बढ़ू था है एवं करवानू અનવિચારણ શીખે છે એવું કરવાનું અનવિચારણ શીખે છે બધાનું ભલું થાય બધાનું સારું થાય બધા આગળ ને આગળ મદદ કરે આર કલ્ચર ઇન્સ્પાયર્સ ટુ મેન્ટેન ફેમિલી વેલ્યુઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેમિલી જ આગળ ડગર હોય તો પછી આગળ શું કરે માતા પિતાની સેવા જીવન પર્યંત કરે અહીં તો બધું અઘરું છે પણ થઈ શકે પત્ર દ્વારા ફોન દ્વારા આપણે ખબર અંતર રાખી શકીએ ઘરમાં ગયે પરિવારમાં સંપર્ક રાખો યુનિટી યુનાઇટેડ હવે યુનિટી ઘરમાં હોવી જોઈએ સાથે સાથે આ તો બધું ઠીક છે પણ સાથે સાથે આપણા પર્સનલી આપે સાથે નમ્રતા સંવાદિતા સુરતભાવ પ્રણક પ્રમાણિકતા વગેરે અનેક મૂલ્યો આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ આપણને શીખે છે આ બધા સાંસ્કૃતિક મૂલ્યોનું જતન થાય અને પ્રવર્તન થાય તે માટે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે અહીં નોર્થ અમેરિકામાં અક્ષરધામ પ્રમુખ સ્વામી આ અક્ષરધામ અહીંયા એમ તો શો એ પીસ એવું નથી બનાવ્યું કે એમાંથી શીખવાનું અને આપણા પેઢીગત બધાને શીખવાડવાનું છે માલદાર હો તો તમે બીજાને આપી શકો પણ તમે કંકાલ હો તો બીજાને શું આપવાને એટલે આપણે તમે બધા અંતે ભગવાન ચરણમાં પ્રાર્થના કરીએ કે આ બધા મૂલ્યો આપણા જીવન ધોરણ दोस्तों ये वास्तव में एक प्रेरणादायक कार्यक्रम था अब तक का मेरा सबसे पसंदीदा कार्यक्रम पसंद की बात निकली है तो मुझे अक्षरधाम परिसर का एक हिस्सा बहुत ही ज्यादा पसंद है और वो है ब्रह्मकुंड मुझे और मेरे परिवार को वहां जाना बहुत ही ज्यादा पसंद है वहां पे पानी की आवाज और पृष्ठभूमि में अक्षरधाम महामंदिर मेरी आंखों को बहुत ही ज्यादा आकर्षित करता है तो चलिए दर्शक मित्रों एक डुबकी हो जाए अक्षरधाम परिसर के स्टेप पॉन्ड यानी कि ब्रह्मकुंड में पीएपीएस स्वामीनारायण अक्षरधाम में आपका हार्दिक स्वागत है हिंदू वास्तुकला और संस्कृति का एक सीमा चिन्ह अक्षरधाम आने वाले पर्यटक अक्सर सबसे पहले ब्रह्मकुंड की ओर आकर्षित होते हैं ये एक स्टेप पॉन्ड है या संस्कृत में कहे तो एक कुंड है ये सिर्फ एक वास्तुशिल्प से कहीं अधिक है ये एक पुल है एक कड़ी है एक एकीकरण है दो विविध संस्कृतियों का जो है भारत और अमेरिका इस कुंड में बहने वाले पानी को संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा और भारत की सैकड़ों नदियों और जल निकायों से सावधानी पूर्वक एकत्र किया गया है इनके जिलमिलाते प्रतिबिंब में
आप एकता की भावना को दुनिया भर से अनगिनत हाथों और दिलों द्वारा एक साथ बुनी हुई देख सकते हैं। जल ही जीवन है और सभी सभ्यताएं जीवन प्रदान करने वाले जल स्त्रोत्र के किनारों पर ही विकसित हुई है। हिंदू धर्म में जल को सबसे अधिक शुद्ध करने वाला, पवित्र करने वाला तत्व माना जाता है, न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी। इसी कारण से जल तत्व जैसे कि ये ब्रह्म कुंड को पारंपरिक रूप से एक पवित्र स्थान माना जाता है। इनके प्रत्येक बाजू के कुंड पर मौजूद है चार मूर्तियां, जो भारत की चार पवित्र नदियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती और सरयू। ये नदियां केवल प्रकृति का तत्व ही नहीं, उन्हें दिव्य स्वरूप माना जाता है और उनकी जीवनदायी शक्तियों के लिए पूजा की जाती है। ब्रह्मकुंड के भीतर इन चार मूर्तियों की उपस्थिति समाज में महिलाओं के अमूल्य योगदान के प्रति, हिंदू आस्था और भारतीय परंपराओं के प्रति एक भावांजलि है। जैसे ही आपकी आंखें ब्रह्मकुंड की शांति को अवशोषित करती है, वे स्वाभाविक रूप से आसपास के बगीचों की ओर आकर्षित हो जाती हैं। यहाँ के प्रत्येक फूल और प्रत्येक पेड़ अनगिनत स्वयंसेवक के अथक प्रयासों का प्रमाण है, जिन्होंने शांति का माहौल बनाने के लिए सभी आगंतुकों का स्वागत करने हेतु एक विलक्षण दृष्टिकोण के साथ काम किया है। जैसे ही हम ब्रह्मकुंड के जल के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, तो हम ये करते हैं शांति और गहन श्रद्धा की भावना से जीवन, संस्कृति और साझा किए गए मानवीय मूल्यों के प्रति सराहना से। BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम परिसर के भीतर ब्रह्मकुंड में हमारे समय को दर्शाते हुए हम आपको उस शांति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिसे आप महसूस करते हैं, और प्रेरणा को संजो कर रखें जो यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मिलती है। ब्रह्मकुंड, नीलकंठ प्लाजा और महामंदिर, यहाँ अक्षरधाम में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। अब हम आज की यात्रा की समाप्ति के करीब है। मेरे पास आपके लिए एक और स्पेशल सेगमेंट है, वॉइस ऑफ अटेंडिस, जहां हम उन लोगों की वास्तविक प्रतिक्रिया को और अनुभवों के बारे में जानेंगे जो इस भव्य त्योहार का हिस्सा रहे हैं, जिसमें डिवोटीज, विजिटर्स और वेल विशर्स का समावेश होता है। ये धरती पर स्वर्ग है, ये अकल्पनीय कार्य है। जब भी मैं यहाँ आता हूँ, मैं इस जगह का कुछ नया ही अनुभव करता हूँ। आप यहाँ दिनों, हफ्तों, महीनों, शायद वर्षों तक रहें और फिर भी आप यहाँ सब नहीं देख पाएंगे। यहाँ जो कुछ भी हम देखते हैं वो भारत की मुहर है, भारत की छाप है। जब आप यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि ये बहुत शांत है। ये आपको बताता है कि भारत का क्या मतलब है, भारत की संस्कृति, भारत की कला, भारत का अध्यात्मवाद, जो केवल भारतीयता नहीं बल्कि इंसानियत है। ये किसी एक विशेष समूह, किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ये हम सब का है, समस्त मानव समुदाय का है। और जब हम यहाँ से जाते हैं तो स्वामी जी का संदेश लेकर जाते हैं कि दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी है, क्योंकि उन्होंने हमें आनंद दिया, ये मंदिर हमें आनंद देता है, ये संप्रदाय हमें आनंद देता है, और हम इसे आगे बढ़ाएंगे और सबके साथ साझा करेंगे, कम से कम उनसे जिनसे हम मिलते हैं। मेरा मतलब है, जैसे ही आप यहाँ के दरवाजे से गुजरते हैं, स्वयं सेवकों की शक्ति आप पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। ऐसे बहुत से स्वयं सेवक हैं जो न कि अपने दिन की नौकरी के बाद सेवा करते हैं जैसे कि मैं करता हूँ, बल्कि जो अपने दिन की नौकरी छोड़कर 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, या फिर 1 वर्ष के लिए, या उससे भी अधिक समय के लिए सेवा में डूब गए हैं। इससे परिवार की भावना पैदा होती है, जैसे कि आप आपकी पत्नी और आपके बच्चों के साथ रहकर जो महसूस करते हैं, वैसी अनुभूति आपको ऐसे स्वयं सेवकों के साथ सहज होती है जिन्होंने बहुत कुछ त्याग किया है। मुझे लगता है इसका महत्व अपार है। मेरा जन्म अमेरिका में हुआ है, मैं 53 साल का हूँ। इतने वर्षों से मैंने हमारी संस्कृति के मापदंड के विकास को विकसित होते हुए देखा है। जब मैं बड़ा हो रहा था तब कोई भी मंदिर नहीं था, और अब हमारे पास ऐतिहासिक संरचनाएं हैं,
अब जब मैं अक्षरधाम की बात करता हूं तो मैं जानता हूं कि मैं अपने किसी भी सर्जिकल सहयोगी को, हमारे क्षेत्र के किसी कांग्रेसी को, किसी नेता को भेज सकता हूं और कह सकता हूं कि अरे आप जानना चाहते हैं कि हिंदू धर्म क्या है, आप मुझसे मेरी संस्कृति, मेरी परंपरा के बारे में पूछते थे और मेरे पास हमेशा अपनी पंक्तियाँ होती थी, लेकिन आप अक्षरधाम देखने क्यों नहीं जाते, ये एक जगह है, ये एक तीर्थ स्थान है और अब आप वास्तव में इस बात में डूब जाएंगे कि हम कौन हैं और ये समझ पाएंगे कि हम वाकई कौन हैं, ये कितनी बड़ी विरासत है, इसे पाना जो बड़े होते हुए मेरे पास नहीं थी, जो अब मेरे बच्चों के पास होगी और आने वाली पीढ़ियों के पास होगी। जब भी मैं इस परिसर में आती हूँ कुछ नया होता है और मैं कहूँगी कि हम शायद हर 2 महीने में यहाँ आते हैं, शायद उन लोगों के लिए जो स्वयं सेवक के रूप में दिन रात यहाँ काम कर रहे हैं और ये परिवर्तन उतना सहज नहीं है, लेकिन हम में से जो लोग हर 2 महीने में आते हैं उनके लिए ये जानना आश्चर्यजनक है कि ओ वहाँ एक नई इमारत है या मंदिर पर अब अधिक संगमरमर की मूर्तियाँ हैं। इन सब के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि स्वयं सेवक दल ये सब कर रहा है। BAPS जैसी संस्था इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि आमतौर पर भारत और हिंदू धर्म को कॉलोनियल नैरेटिव्स के माध्यम से पढ़ाया जाता है, जो दिखाते हैं कि हमारी संस्कृति साधारण है या कभी कभी बैकवर्ड है या समय के साथ अविकसित है। एक संस्था या मंदिर जो करता है वो ये है कि वो एक व्यक्ति के रूप में हम जो हैं उसमें प्राण फूंकता है, हमारी जो विरासत है जो हजारों साल पुरानी है, दिन प्रतिदिन के आधार पर व्यक्ति से व्यक्ति के स्तर पर दिव्य एकता या निस्वार्थ सेवा जैसे मूल्य कैसे दिखते हैं वो सिखाता है। ये वास्तुकला की कला से मिलने, संस्कृति से मिलने, संगीत से मिलने, विरासत से मिलने की घटना है। मैं अविश्वसनीय रूप से उन सभी की आभारी हूँ जिन्होंने इसे संभव बनाने के लिए स्वयं सेवक के रूप में काम किया। ये वो स्थान है जो सकारात्मकता पैदा करता है, जो प्यार पैदा करता है, वो कला जो ये अपने निर्माण के हर कोने से प्रस्तुत करता है। इसलिए हर कोई यहाँ आ सकता है और वो जो खोज रहा है उसको उसकी प्रेरणा मिलेगी। इन इवेंट्स और हाईलाइट से परे पिछले 3 महीनों में परिसर में कई अन्य यादगार क्षण संजोए गए हैं। आइए उनकी कुछ खास बातों को आप और मैं इस अविस्मरणीय क्षणों के सफर को जानना शुरू करते हैं। ये सच में अभिभूत करने वाला था और खुशी के आंसू लेकर आया। आज पहली बार अक्षरधाम के अंदर जाना बिल्कुल अलग अनुभव था। जैसे ही मैं अक्षरधाम में गई तो अक्षरधाम को देखकर सचमुच मैं अचंभित रह गई। इस मंदिर का हर एक कोना एक कहानी कह रहा है। मैं यहाँ पहली बार भारत को अपने सामने होने का सुखद अनुभव कर रही हूँ। यहाँ सब कुछ अद्भुत है और ये अनुभव बिल्कुल अलग है। इस स्मारक को बनते हुए देखना सबसे अद्भुत एहसास था। मैं अक्षरधाम का हिस्सा बनकर सच में बहुत ही धन्य हुई। जय स्वामीनारायण। मेरा नाम दीपा सचदेव माचिनो है। मैं टोरंटो ओंटारियो कनाडा से आई हूँ। यह सच में अद्भुत करने वाला और खुशी के आंसू लेकर आने वाला पल है। असंख्य सेवकों हरि भक्तों की भक्ति के परिश्रम रूपी प्रेम को आखिरकार फलीभूत होते देखना एक अद्भुत एहसास था। अत्यधिक आनंद था यह परिश्रम रूपी प्रेम को अंततः एक साथ आते देखा। दूसरों की सेवा करने का, समुदाय की सेवा करने का क्या मतलब है? एक समुदाय से संबंधित होना, विनम्र होना, निस्वार्थ होना, ये सब मैं अपने बच्चों को यहाँ लाकर दिखाना चाहती हूँ और अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देना चाहती हूँ। और मैं एक बात आप सबको कहना चाहूँगी कि मुझे यहाँ आकर उन्हें दिखाने का मन हो रहा है कि हमारे गुरुओं ने जो प्रेरणा दी है वो यहाँ कैसे चरितार्थ हो रही है और वही छाप मैं उनके ऊपर भी छोड़ना चाहती हूँ। जी स्वामीनारायण, मेरा नाम मानसी जोशी है और मैं रॉबिन्स विले से हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि महामंदिर के इतने करीब रहती हूँ ताकि अक्सर इसकी मुलाकात ले सकूँ। आज जब मैं पहली बार अंदर गई तो मैंने शांति और दिव्यता का अनुभव किया। हम मध्य खंड में बैठे थे और मैं सीधे भगवान की आंखों में देख रही थी तो मुझे तेज दिखाई दिया। जय स्वामीनारायण,
मैं मनाली पटेल भारत के अहमदाबाद से हूँ। मैं यहाँ न्यू जर्सी में पहली बार नए रूप में अपने सामने भारत का अनुभव कर रही हूँ। अब यहाँ से भारत के अनुभव के लिए दूर भारत तक नहीं जाना पड़ेगा। और जब मैं आज पूजा दर्शन और विधि में बैठी, मुझे बहुत ही दिव्य लगा। यहाँ सर्वशक्तिमान की शक्ति का एहसास होता है। मैं यहाँ आकर और अक्षरधाम महोत्सव का हिस्सा बनकर सच में धन्य हो गई। नमस्ते, मैं रुचि काकड़िया शिकागो इलिनोइस से हूँ। जैसे ही अक्षरधाम में गई, मैं सच में कैसा महसूस होता है ये शब्दों में नहीं बता सकती। ये बहुत ही शक्तिशाली भावना है। जब आप वहाँ प्रवेश करते हैं तो महसूस होता है जैसे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये किसी अन्य अनुभव से बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है कि सभी स्वयंसेवक इस महामंदिर के निर्माण में सहायता के लिए आए और ऐसा करने के लिए आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। हमारे पास डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, जो लोग अपने क्षेत्र में वास्तव में बहुत ही प्रसिद्ध हैं और फिर भी वो यहाँ साफ सफाई कर रहे हैं। अपने पद से उठकर इसे बनाने में वो सेवा में लगे हुए हैं। एक साथ आना और ये समझना कि एक बड़े उद्देश्य के लिए इस महामंदिर को बनाना है, ये अनुभव करने लायक था। जय स्वामी नारायण। मेरा नाम भास्कर पांड्या है, मैं हूँ हार्टफोर्ड कनेक्टिकेट से। आज इस स्मारक के अंदर आना सबसे अद्भुत अनुभव था और मुझे बहुत ही संतुष्टि महसूस हुई है। अक्षरधाम के बारे में उन चीज़ों में से एक जिसने मुझे बहुत आकर्षित किया है वो ये है कि इस मंदिर के हर कोने के पास बताने के लिए बहुत सारी कहानियां हैं। जब मैं अक्षरधाम के अंदर गया, मुझे एहसास हुआ कि प्रत्येक पत्थर और उसकी नक्काशी भारत की संस्कृति और कला का प्रतिनिधित्व करते हैं और सही में आपको लगता है कि ये पत्थर आपसे बातें कर रहे हैं। अब आखिर में मुझे याद आ रहा है कि अक्षरधाम में हर पल अपने आप में एक प्रेरणादायक कहानी है जो बताए जाने का इंतजार कर रही है। हर एपिसोड के साथ हम उस प्रेरणा का थोड़ा और हिस्सा साझा करने का मौका मिलता है। ये सिर्फ स्थान के बारे में नहीं है, ये स्वयं सेवकों, उपस्थित लोगों, संस्कृति, वास्तुकला और यादों के बारे में है। कई सुनहरी यादें आज हमसे जुड़ेगी और आने वाले कल में कई और लोगों को इसमें जोड़ती जाएगी। तो फिर आप मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं फेस्टिवल ऑफ इंस्पिरेशन और अक्षरधाम महोत्सव के बारे में कुछ अनोखी बातें आपको बताता रहूंगा। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्ते और जय स्वामीनारायण।